नमस्कार दोस्तों, आप सबने ट्रेन में तो सफर जरूर किया होगा। इंडियन रेलवेज ने पिछले 74 सालों में बहुत तरक्की कर ली है और आजकल तो इंडियन रेलवेज अपनी प्रीमियर ट्रेनों में बहुत ज्यादा सुविधाएं भी देती है। अब ये प्रीमियम ट्रेन होती क्या है? इंडिया में ज्यादा लोग एक्सप्रेस ट्रेन में ही सफर करते हैं क्योंकि इनका टिकट जेब के हिसाब से सही रहता है और इनमें मिलने वाली सुविधाएं भी कम होती हैं। एक तरीके से कहा जाए तो इनके सारे कोचेज एयर कंडीशन नहीं होते हैं, इनमें सिर्फ 4 से 5 कोचेज ही एयर कंडीशन होते हैं। वहीं पर प्रीमियर ट्रेन्स के सारे कोचेज एयर कंडीशन होते हैं और इनकी रफ्तार ज़्यादा होती है। स्टॉपेज भी नॉर्मल ट्रेन के मुकाबले कम होते हैं, यानी कि ये सिर्फ बड़े स्टेशनों पर ही रुकती है। इन प्रीमियर ट्रेन में सुविधाएं भी नॉर्मल ट्रेन से ज़्यादा होती हैं, तो फिर किराया तो ज़्यादा होगा ही। राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी, तेजस, गतिमान एक्सप्रेस प्रीमियर ट्रेन में आती हैं। कुछ एक ट्रेन में तो वाईफाई की सुविधा भी दी गई है। बेडशीट और पिलो की सुविधा लंबी दूरी की ट्रेनों में दी जाती है, मगर आपको पता है लोग बेडशीट और पिलो को अपना समझ कर ले जाते हैं। एक ट्रेन में तो मनोरंजन के लिए सीट में LCD और हेडफोन भी दिए गए थे, मगर लोग उसे भी चुरा कर ले गए। ऐसी चीजों से भारतीय रेलवे को करोड़ों का नुकसान होता है। आखिरकार उस ट्रेन में इंडियन रेलवे ने हेडफोन देना ही बंद कर दिया, मगर ये बात ट्रेन में लगे पंखों पर लागू नहीं होती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अगर चोर इन पंखों को चुरा कर ले भी जाता है तो उसके घर में पंखे नहीं चलेंगे, ये एक तरह के कबाड़ जैसे ही हो जाएंगे। गर्मी से बचाव के लिए भारतीय रेलवे की ओर से ट्रेनों में पंखे लगाए जाते हैं। ट्रेन में सफर के दौरान आपने भी पंखे लगे देखे होंगे और ऐसी खबरें भी सुनी होंगी कि ट्रेन में सामान चोरी हो गया या रेलवे का सामान चोरी कर लिया गया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ट्रेनों में लगे पंखे चोरी नहीं हो सकते। अगर ट्रेन की पंखे की कोई चोरी कर भी लेता है तो ये किसी काम के नहीं रहते हैं। दरअसल रेलवे के पंखों में एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इन पंखों का निर्माण ऐसे किया जाता है कि आमतौर पर बिजली के उपकरण AC और DC पर ही चलते हैं। घर पर अल्टरनेटिव करंट पर भी सभी उपकरणों को चलाया जाता है। वहीं अगर डायरेक्ट करंट यानी DC की बात करें तो इसमें कम पावर बिजली उपकरणों का चलाया जाता है, जिसमें 5 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट से जुड़ी बिजली के सामान या चार्जिंग उपकरणों को इससे जोड़ा जा सकता है। जबकि ट्रेन में लगे पंखों की बात करें तो ये बिजली उपकरणों से अलग होते हैं। इन्हें विशेष तौर पर DC में 110 वोल्ट पर चलने के लिए तैयार किया जाता है। ये पंखे घर पर नहीं चल सकते हैं, इसलिए इन्हें चोरी करना भी बेकार होता है। ट्रेन में इन पंखों को 3-3 की लाइन में लगाते हैं। हर कोच में 3 पंखे सामने की तरफ, 2 पंखे दूसरी तरफ होते हैं। ऐसे में अगर एक भी पंखे की तार कट जाए या छेड़छाड़ की जाए तो बाकी पंखे भी चलना बंद हो सकते हैं। एक तरह अलर्ट सिस्टम से रेलवे को पंखों पर जुड़ी जानकारी मिल सकती है। हालांकि पिछले कुछ साल में रेलवे में चोरी को लेकर सख्ती देखी गई है। रेलवे को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है, इसे नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ धारा 380 के तहत कार्रवाई का प्रावधान भी है, जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान और जुर्माना शामिल है।